बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने जो है वो 20 ममालिक पर जो है वो सफरी पाबंदियां लगाई हुई हैं, और इनमें जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो है वो 18 और कंट्रीज़ हैं। और आपको पता है कि सबका जो है वो सफरी पाबंदी जो है वो अभी कंटिन्यू है, जारी है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के, भाई पहले हम जो है वो दुबई चले जाते हैं, दुबई में जो है वो 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद जो है हम सऊदी अरब जो है वो जा सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे देता चलूँ कि प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। इंडियंस को जो है वो इजाज़त थी, उनकी भी अम्बेसी ने जो है वो खसूसी परमिशन जो है वो सऊदी हुकूमत से ली हुई थी। तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी अम्बेसी अगर जो है वो सऊदी हुकूमत से जो है वो परमिशन ले लेती है, तो फिर उनको भी इजाज़त होगी। अब तो यहाँ पे ये भी देखा गया है पिछले हफ्ते में कि इंडिया के जो लोग यहाँ पे आए हुए थे अबू धाबी में, उनको 14 दिन मुकम्मल हो चुके थे, वहाँ पे क्वारंटाइन हुए, तो उनको भी जो है वो जो इंडिया की अम्बेसी है रियाज की, उन्होंने बोला भी आपको वापस जाना पड़ेगा। और जो लोग आने का इरादा रखते हैं यहाँ सऊदी अरब में फ्यूचर में, नेक्स्ट वीक में, ठीक है जी, उनको भी उन्होंने बोला भी अभी जो है वो नेक्स्ट अपडेट का जो है आप इंतज़ार करो, अभी जो है वो यहाँ मत आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब जो है वो मुसलसल कोरोना वायरस में जो है, आपको पता है कि केसेस की तादाद बढ़ रही है, उस वजह से उन्होंने जो है ये भी जो पहले इजाज़त दी हुई थी, ये भी अब उन्होंने जो है वो मना कर दिया। तो जैसे ही कोरोना वायरस के जो केस हैं वो कम होंगे, तो इंशाल्लाह उन सबको जो है वो इजाज़त होगी, वो जो है फिर सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो अब जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह के जो आपने देखा होगा कि खबरें आ रही हैं, 15 तारीख को जो है वो खुल रही हैं या 17 फरवरी को जो है वो खुल रही हैं, अभी तक इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जो खबर है वो नहीं है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल खबर आएगी हम आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।